मेरे ना दादा अबू दे एक दोस्त सन ते मैनू उन्हां दे बारे च बड़ा ही गुमान सी कि अल्लाह दे बड़े ही नेक बंदे ने, अल्लाह दे बड़े करीब ने वो। तो मैं ना एक दिन उन्हां दे कोल गया, खूह ते हुंदे सन वो, ते उन्हां ने मझां मुझां रखियां हुंदियां सन। मैं उन्हां नू जाके आख्या कि ना तुसीं मेरे वास्ते दुआ करो, ते वो बड़ा हसे, बड़ियां मिठियां मिठियां गल्लां करते सन। कहिंदे सन तैनू की होया है? ते मैं आख्या कि ना मैनू सबक नहीं याद हुंदा, तो दूसरा मेरी आवाज़ नहीं सही हैगी। वो कहते आवाज़ में की होया? मैनू वह बड़ा शौक से नात पढ़न का, तलावत करन का। तो असी ना आइडियलाइज़ किया होंगे कि फलाना बंदा बड़ी सोहनी नात पढ़ता या फलाना बंदा बड़ी सोहनी तलावत करता। तो मैं पढ़ा तो मेरे को पढ़ी ना जाए, तो मैं आखा कि मेरी आवाज़ नहीं सही हैगी, तो सबक मैनू ना याद हो। उम्र के हिसाब न अपने अपने मसायल होंगे ने। तो मैं उन्होंने आख्या कि मैं सबक नहीं याद हों, तुम मेरे वास्ते दुआ करो। तो वह कहते सन अच्छा मैं करना तेरे वास्ते दुआ। वो खैर अपने काम कुम लग पाया, तो वापस आए। मैं बाबू के वर गया, उन्होंने पराली के उत्ते ना उत्थे बिछाया, उत्थे साफ जी अपनी रखी होंगी सी। उन्होंने उत्थे दो रकात नफल पड़े, तो फिर उन्होंने मैं आवाज़ दी, उन्हें हुरा पुत्र उरे आ जरा। तो मैं गया उन्होंने कोल, तो मैंने कहते ने मेरे कोल बह गया, तो मैं उन्होंने कोल बह गया। बड़िया मिठिया मिठिया गल्लां करते सन। उन्होंने नफल पढ़न तो बाद ना दुआ करनी शुरू की जैनियन, तो उन्हें मेरा नाँ लै लै के दुआ की। मैं उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ सबक नहीं याद हों, तो होर मैं आख्या मेरी आवाज़ नहीं सही हैगी। उन्होंने कुछ दो की बजाय 100 कु दुआवं कीतियां, जिहड़ियां मेरे सब कॉन्शियस भी नहीं सनेगियां। हरे केरी केरी दुआ की उन्होंने मेरा नाँ लै लै के। तो उदो ना वो दुआ मांगते पै सन, तो मैंने पहलों तो लगा ये रेस पास एडी लंबी दुआ पर मांगते हैं, क्योंकि ये मेरे दादा बू दे बेली ने। तो उन्हें आख्या कि मेरे बेली का पोत्र आया, तो मैं लंबी करा दुआ। तो लेकिन वो फिर उदों ही उन्हें जवाब भी इस गल का दिता। मिठिया गल् करते सन बड़िया, तो दुआ जो हम पूरी कर ली ना ढै पै एक दफा दुआ दे ना, तो एवं जिम्मे बंद थ्रू डिग पे, तो बंदा बड़ा मगन हो के दुआ करता। मेरे सब कॉन्शियस के गल हूँ तक मौजूद है कि जो कोई बंदा दुआ कराने वास्ते आए ना, तो टाल मटोल नहीं करनी। असं अमूमी तौर पर कह दें अच्छा जी करांगे थोड़े वास्ते दुआ, इंशाला जी करांगे दुआ। जो कोई बंदा दुआ करवाण आ गया ना, थानू कहन दिया ना मेरे वास्ते दुआ करो, तो वह बड़ी एक उम्मीद लैके आया और ये सोच के कि तुसी अल्लाह की बारगाह दे विच उन्दे वास्ते दुआ करोगे और अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। वो थानू अल्लाह का बंदा समझ के आया, तो इदा नहीं करना कि अच्छा ठीक कर लाँगे। ये एक बड़ी वड्डी सादत है कोई बंदा थानू ये कह दे कि मेरे वास्ते दुआ कर दे। ये अल्लाह का बड़ा करम है थोड़े उत्ते, तो दुआ करनी चाहिए जो कोई बंदा आ जाए ये कहने वास्ते, किसी भी तरह की मदद लैन वास्ते आ जाए ना। तो ये मेरे सब कॉन्शियस विच उन्होंने उदों की सी, तो मैंने याद है कि कोई दुआ करवाण आवे ना तो इदा दुआ करी दी। खैर वो बड़िया मिठिया गल्लां करते सन। वो फिर ना कहते होंगे सन कि तेनू की लगता है तू आप मेरे कोल आ गया, तू तो मेरे कोल नहीं आया है, वो तो मेरे बेली ने भेजे तेनू मेरे कोल। अच्छा बेली तो मुराद मेरा दादा नहीं सी, वो अल्लामियां नू भी कहते सन मेरा बेली है, कि तेरे मेरे बेली ने ना तेनू भेजे मेरे कोल। फिर वो कहते होंगे सन कि साडा कोई बेली किसी वड्डे अफसर लगा होवे ना, किसी थां ते लगा होवे, तो किसी को कम पै जाए तो अभी भला की कहने जा फलाने बंदे दे कोल, उत्थे मेरा नाँ लई जा के ते तेरा कम हो जाएगा। उन्हें आख्या कि बंदा जिहड़ा है ना वो रब कोल ही जांदा हर दफा, रब नू साड़ी कोई लोड़ नहीं हैगी, सानू रब की लोड़ है, रब नू बंदयां दी केरी लोड़ है, बंदयां नू रब की लोड़ है। वो बड़ा प्यार करता है, बंदे पहलों जांदे ने रब दे कोल ही, रब फिर भेजदा उन्होंने, उन्होंने कहिंदा जाओ मेरे फलाने बंदे कोल चला जा, फलाने बंदे कोल चला जा। लोग साढ़े बूहे तो अक्सर आ नहीं जाते, कोई कहता मैं भुख लगा, कोई कहता मैं पैसे दे दो उधार, कोई कहता मैं दवाई लै दो, कोई कहता है कि मेरी फलानी मदद कर दो। वो कहता थानू की लगता है कि वह आप ही आ गए ने मूँह चुक के, वो बेली ने कल्या हों, तो बेली में इन्होंने छावों की लड़ कोई भी नहीं हैगी, वो तो बस एवें प्यार करता है। तो वह कहता है कि जाओ वो कोल मेरा ना लैना जा के, तो वेखो जो ना लेंगे ना मेरे को आ के या थोड़े को आ के कोई रब का ना लवे ना, तो इंज समझना जिम्मे थोड़ा बेली है। वो सानू भी कहना होंगे कि थोड़ा भी बेली है रब, असं कहने हाँ नहीं बाबा साढ़ा कौन ही बेली है, जिम्मे असं मूमी तौर पर गिले गुले करने होंगे, साडा बेली हों फिर इंज ही किया हों, साडा बेली हों तो उन्हें इंज ही किया हों, साडे नाल फिर इंज हों। वो कहना ही नहीं बेली है थोड़ा, बेली है इसलिए तो बूहे तो लोगों को भेज देंदा कि जाओ वो मेरा बेली है, मेरा ना लवो उन्हें अगे जा के तो थोड़ा काम कर देगा। हालांकि वो काम तो आप भी कर सकता है, लेकिन साढ़े दर्जे बधाने होंगे ने उन्हें, उन्हें सानू अपने कॉल करना होंगे, इसलिए वो कहता जिम्मे असं नहीं कहते साडा ना लैना जा के तो थोड़ा काम हो जाएगा। वो भी फिर कहता अपने बंदे जाओ मेरा बेली जे मेरा ना लैना जा के तो थोड़ा काम कर देगा। काम तो उन्हें ही करना होंगे, लेकिन सानू अपने कोल कर लेना ये बहाने करके।
ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜੂਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਸਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਸਟਿਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹਮੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫੱਟ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇਮਪਰਫੈਕਟ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੇਖ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਸ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੇਲੀ ਬੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਝ ਬਣੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰਾਮਤ ਕਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਾ ਲੂ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਸੂਸੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਸੂਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਾ ਸਕੋ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਬੜੀ ਕਿ ਹਮਨੇ ਹਰ ਜ਼ੀ ਹਯਾਤ ਕੋ ਉਸਕੇ ਮਾਥੇ ਸੇ ਥਾਮ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਕੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕੇ ਰਾਮਤ ਕਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਬਾਦਤ ਅਤੇ ਰਿਆਜ਼ਤ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਾਹੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਦੀ। ਅਸਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਤਹਜੁਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਤਹਜੁਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਨਮਾਜ਼। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਦਾਦਾ ਬਸੀਅਤ ਉਸਤਾਦ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਤੇ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਸਾਡਾ ਕਰ ਗਿਆ ਅਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਹਾਈਆਂ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਦਾ ਫੌਤ ਹੋਏ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ 54 ਸਨ, 58 ਸਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਸੇ, ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਫੌਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਦੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਅਮਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਖਵਾਤੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੈਟਅਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਨਹੀਂ ਹਰਾਉਣੀ।
अल्लाह के सपुरद जो कोई काम कर दिता ना तो फिर दरम्यान च आप नहीं आना, फिर अल्लाह के सपुरद कर दिता तो कर दिता फिर काम, फिर आप विच नहीं बार बार आके झातियां मारना कि अल्लाह की करता पाया। असं अक्सर अल्लाह के सपुरद कोई काम कर देने ना तो बाद फिर वेखते रहने आके झातियां मारने कि यार अल्लाह इंज नहीं इंज कर, जो अल्लाह के सपुरद कर दिता तो फिर कर दिता, फिर विच की लैन लग आते हो, फिर होन दौ जिमें भी होने दिया, वो जिमें चाहेगा करेगा। दादे ने सुपुरद कर दिता ना जो दादी के काम, उन्हें कभी बेचा के वेख्या नहीं है कि होया फाइनैंस दादी का जिम्मे से, दादे ने कभी पूछा भी नहीं है कि किमें चलता है किमें होंगे, उन्हें सारी जिंदगी काम किया अपना जरा करने वाला सी, इबादत की है रियाजत की है, पैसा कभी दादे ने वेख्या नहीं है। अच्छा मेरे दादे दे वो जीन्स ने मैनू लिटरली पैसे नाल नहीं यही गल लगाओ, मेरे दोस्त जड़े ने उन्होंने इस गल का पता है, हालांकि सोशल मीडिया के उत्ते असा बैठे हाँ तो सोशल मीडिया के नाल एक शाय इंगेज हो जाती है, दो छावें इंगेज हो जाए ने, एक शोहरत तो दूजी दौलत, इन्हों दोवों तो मैं पनाह मांगना वा। मेरे बूहे से आके लोग बह जाते हैं जानियन कहते हैं कि ये छावं विकदियां ने इन्हों के पैसे मिलते हैं, मैं कहा भाजी तुम ले लो इन पैसे सामने चाहिए, तो जी शोहरत शुहरत इन तो मैं उन बड़ा नसना वा, मैं लोगों को जवाब नहीं देता मैं रहना कितने हाँ, थोड़े चो कई लोग ने पुछते हैं जी थानू एक दफ़ा मिलना, मैं डर ही बड़ा लगता, मैं किमें मिला मैं लोगों को जाके, तो एक बड़ी एक अजीब जी शाय वे इस गल नूं बर्दाश्त करने वास्ते भी ना एक बड़ा जरफ चाहिए, तो मैं लगता वो मेरे को लड़े कोई नहीं है, मैं लोगों को यह नहीं दसदा मैं कितने रहना वा, मैं कभी किसी को मिलता नहीं है, इन पिछे नहीं कि कोई प्राउड है या पता नहीं की है, भाई डर लगता है, ये इन्हें तो बचना चाहिए इस शोहरत तो इस दौलत तो, ये फितने ने बड़े व्डे, तो साडा दादा बड़ा वड्डा स्टैंडर्ड सैट करके गया, जैनमन गल है, मैं कभी कभी वेखना वा ना असी जिनी अल्लाह ने तफीक दी काम तो कर ही लेते हैं, लेकिन जो मैं वेखना वा ना कि जरा उस्ताद से साडे घर का सरबराह वो साढ़े वास्ते कितनी वड्डी एग्जाम्पल सैट करके गया है, असी उन्हें नहीं फर सकते, सानू 40-50 साल लगनगे तो सानू हूँ ही लगता असं फेल हो गए हैं अपने दादे दे उस क्राइटेरिया के उत्ते, असी तो फड़ ही नहीं सकते है, असी फेल हो गए दादे सामने, एग्जाम्पल किड्डी वड्डी सैट करके गया उधर वे साढ़े वास्ते। मेरे ना चाचू का बेटा छोटा उसकी असी शादी कर दी पिछले साल, तो महीना को पहले की गल है अल्लाह ताला ने उन्होंने साहबजादे की नवीद सुनाई तो अल्लाह ने पुत्र दिता, तो मेरी भैन ने मैं मैसेज किया, मैं साहिवाल सा, उन्होंने मैंने कहा मुबारक होवे तेनू, मैं क्या की होया तू ताया अबू बन गया, तो मैं हसन लग पाया, मैं क्या अच्छा अल्लाह ने पुत्र दिता, तो मैं आया तो मैं ना आके अपने निके भाई ने आख्या चाचू का पुत्र, मैं उन्होंने आख्या कि यार सोशल मीडिया के उत्ते साड़ियाँ जिहड़ियां वीडियोज़ पईयां ने मैनूं बहा सारियां, उन्हें मैंने वहाइया तो मैं आखा आ भी डिलीट कर आ भी डिलीट कर आ भी डिलीट कर आ भी डिलीट करो, मैंने आखिया क्यों डिलीट करनी है, मैं ना सारा दिन ला के ना दो दिन ला के मैं आख्या आ फोटो भी डिलीट कर दे आ वीडियो भी डिलीट कर, उन्हें आखिया आप क्यों करने पे हैं, मैं आख्या कि ये जो वड्डा हो जाएगा असी इन वास्ते एग्जाम्पल की सैट करके चले हाँ, असी इनू की देन डे हाँ, बस ये तो इन्हें सीनियर जिवें साडा दादा साडे लई एड्डी वड्डी एग्जाम्पल सैट करके चला गया, असी इन्हों वास्ते एग्जाम्पल की सैट करने हैं, ये वड्डा होएगा तो की वेखेगा क्या मेरा ताया है या मेरा प्यो है मेरा चाचा ये करते की सन, इन्होंने दुनिया की दसिया है इन्हें दुनिया के नाल की अप्रोच बिल्ड की है इन्हें अपना हिस्सा कि पाया है, मैं क्या सानू तो डर लगना चाहिए कि असी अपनी जनरेशन दे के की चले हाँ, मैं फिर उन्होंने आख्या मैं डिलीट कर दे आ भी कर दे वह भी कर दे अपने कंसर्न सुन ये मैमरीज ने, मैं बाहर च गई मैमरियाज इंज दियाँ तू इन डिलीट कर, ये आप नहीं दे सकते अपनी आने वाली जनरेशन इन वास्ते आप एग्जाम्पल सैट नहीं कर सकते, लोग पूछते हैं कि अपने बच्चों तक फलां काम करना तो किदा करांगे, भाजी तुसा करके वहाना है, वो दादे ने कभी भी जिंदगी नहीं सानू आख्या कि नमाज पढ़िया करो, अल्लाह की कसम उन्हें कभी छड़ी नहीं हैगी सी, हूँ मैं सोचना मैं कहना उन्हें मूँह कभी भी नहीं आख्या है दादे ने, अल्लाह गरीब के रहमत करे कभी नमाज पढ़ो, उन्हें पूरी जिंदगी कभी नहीं छड़ी, इन्हें मतलब से वह कह के गया कि तुसा भी नहीं छड़नी, सारी जिंदगी कुरान पढ़िया उन्हें कह के गया है, कभी भी एक अपने मुँह कभी नहीं कहा कि पुत्रो यह काम कर लो, उन्हें जो चाहता सी ना उनकी नसल करे वो दरवेश करके गया सारी जिंदगी और रिजके हलाल कमाया पूरी जिंदगी। फिर एक और शायद है कि अल्लाह ताला दी ना एक वांडे को कभी भी तीन जिहड़ियां नसलां ने ना उन्हां दे उत्ते वक्त सेम नहीं रखता, जे एक नसल गरीब होएगी ना तीसरी नूं इमारत दे देगा, एक ने गुरबत वेखी है तीसरी नूं इमारत दे देगा, ये अल्लाह दी एक वांडे और मैं इनू अपनी जिंदगी वेख्या, मेरे दादे ने जिंदगी बड़े औखे टाइम वेखे ने ढेर औखे टाइम इन्ने टाइम औखे वेखे ने कि रोटी नहीं सी पकदी दो दिन घर, तो मैं उदा पोतरा वा ना, मैं दुनिया दी महंगियां तरीन गड्डियां च सफ़र किया, मैं जहाज़ां ते सफ़र किया, मैं पाकिस्तान दे विच बरूने मुल्क दे विच जाके वेखियां ने छावां नूं, मैं इत्थे वेख्या वड्डियां वड्डियां गड्डियां दे बूहे लोकी मेरे वास्ते खोलदे ने,
और ये मैं वेखिए गुरबत तो इमारत तक अला किसी भी तीसरी नस्ल नू ना वो सेम सिचुएशन इच नहीं रखता। तिलकल अयाम बदलते रहते हैं हम इन अयाम को, लोगों के माबैन। कोई भी तीसरी नस्ल तुहानू एक ही हालत दे विच नहीं मिलेगी। अगर एक नस्ल ने फुल गुरबत अल्लाह ने वेखी है ना, तो तीजी नस्ल आएगी जो इमारत विच होएगी। ये भी मैं अपनी जिंदगी च वेख्या कि दादे ने जिन्नियां औखियां कटियां ने ना, असां ओडी औखाई वेखी नहीं हैगी। तो फिर वो जिहड़े जीन्स ने ना, ये ट्रैवल करते हैं, रिज़्क़े हलाल ट्रैवल करता थोड़ियां नस्लों तक। थोड़ी इबादत और रियाजत ये मत सोचना कि ट्रैवल नहीं कर देगी, ये ट्रैवल करेगी थोड़ियां नस्लों तक। मैं बड़ा अजीबो गरीब किस्म के मिजाज वाला बंदा सा, मैं कभी कभी सोचना वा मेरा इतना रुझान किवें हो गया है अल्लाह ले, या ये तो एक अल्लाह का करम सी ना। लेकिन उनकी एक वजह सी कि दादे ने पूरी जिंदगी रियाजत की सी, उन्हें दुआवां कीतियां ही होणगियां ना कभी अपनी नस्ल वास्ते जी। मेरे वाला साहब कहते हैं जो तू पैदा होना सर, मैं एक ही दुआ की सी, अल्लाह एक ऐसा पुत्र दे जो देन लगा जरा तेरा नाम लेवा हो। सू नहीं चाहिए डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फलान करे, टमकान करे, जो मूमी तौर पर पैसा कमाए, नौकरियां करे। मेरे वाले साहब ने अभी तक कभी मेरे तो प्रेशर नहीं पाया। मैं 28 साल का हो गया वहाँ कि तू नौकरी नहीं करता, तू पैसे नहीं कमा। उन्होंने कहा इस वास्ते पुत्र तेन लिया लिया नहीं इस दुनिया, तू आया किसी और काम वास्ते, तेन पता लग जाएगा जो टाइम आएगा क्यों आया। इस वास्ते नहीं सया, सारी दुनिया भी जमदी बाल तो कहती है नौकरियां करो तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ। यू आर नॉट बॉर्न टू डू दिस, यू आर अ स्पैशल किड। अच्छा एक तो मोटिवेशन वास्ते वालदैन कहते हैं, लेकिन मेरे वाला साहब इस मामले सीरियस ने कहते हैं यू आर नॉट बॉर्न टू डू दिस, कि तू उठे तो नौकरियां करे तो आके सू पैसे लिया के दे। रिज़्क़ अल्लाह दे ज़िम्मे में, जो तक उन्हें साड़ी जिंदगी रखी साढ़े तक साढ़ा पहुँच जाएगा। तू इस वास्ते नहीं आएगा, तेनू अल्लाह वास्ते ही लिया सी। और मैं जिडे जरबा तकसीम कर करके इतों तक आख बैठा, मैं कहना शायद इन्हों दुआवों का भी असर से किधर ना किधर। वो चीज़ा बड़िया डिफरेंट ने, थोड़ी जिंदगी उस्ताद होंगे ने।